आई लव यू, आई लव यू टू। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये है उज्जैन, पावन सरयू के घाट पे बसा पावन शहर, जहाँ सुबह स्वर की आरती से होती है तो सांझ स्वर की भक्ति में गुजरती है। यह शहर अपराधियों के काले कारनामों से प्रदूषित होता जा रहा था। तीर्थ धाम के नाम से जाना जाने वाला उज्जैन अपराधियों के गढ़ के नाम से जाना जाने लगा। चारों तरफ गोलियों का शोर, अफरातफरी दिखाई देने लगी। इस पावन शहर की पावन धारा पर एक 17 साल का बाहुबली अपराध की दुनिया में पैर पसार रहा था। दिखने में मासूम पर अपराध का दूसरा नाम। न्यू एडमिशन? यस। माय नेम इज रंजीत मंडोई। नाइस नेम। आपका नाम? डीके। कब है साला तू मेरी प्रिंसिपल से शिकायत करेगा? जल बताता हूँ तुझे। ये लोग कौन हैं और इसे मार क्यों रहे? ये गोगा भाई है, स्कूल में सारे लोग इनसे डरते हैं। ये लो बेटा दुर्लभ दूध पी लो। बेटा दुर्लभ, बड़े होके क्या बनोगे? मैं पता नहीं क्या बनूंगा, मगर एक दिन ऐसा काम करूंगा कि तेरे बेटे को पूरी दुनिया जाने। शाबाश बेटा, पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ, आओ तुम्हें काजल लगा दे। बेटा सुबह स्कूल जाना है, ठीक है? अब तुम सो जाओ। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया वो अपना हाथ ऊपर कर लें। वेरी गुड दुर्लभ, तो आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? जी मैम। सीखो तुम लोग कुछ दुर्लभ से, कल ही आया है और उसका होमवर्क पूरा है। यार भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। ये बहुत चालाक है ना? बिल्कुल सही। तू क्लास में चल, मैं अभी आता हूँ। अरे दो बिस्कुट देना। ऐ पैसे। अंडे से निकला नहीं, चल दिया गुंडाई करने। लाओ इधर, चला चला जाओ यहाँ से। मारते मारते बांधा बना दूंगा तुमको भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो बच्चों, हम आपको आज बताते हैं पावर ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की ताकत। समझ गए ना? बेटा पंकज। यस सर। कम हियर। बेटा तुम्हें इसे तोड़ना है, लो इसे तोड़ो। शाबाश बेटा, लो इसको फिर से तोड़ो। तो बच्चों, आप लोगों ने इससे क्या सीखा? हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, ताकि हम लोग किसी मुश्किल काम को बड़ी आसानी से कर सकें।
अध्यापक की दी गई सीख दुर्लभ के जहन में घर कर गई और इस पावर ऑफ यूनिटी के दम पे स्कूल में ही अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। दुर्लभ उन्हीं बच्चों को अपने साथ रखने लगा जो लड़ाई झगड़े में माहिर थे। कल कमाल भूल गए क्या? फिर आया आज? क्या चाहिए बेटा? दुर्लभ भाई दुकान वाले के रिएक्शन को देखने लायक था। ये है सहनवाज। मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या वसूली जैसे कई इलीगल कामों का बेताज बादशाह है। मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टाल पाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ वह मॉर्गन गैंग का है। सर शहर में आए दिन गैंगवार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कब एक्शन लेगी? सर पुलिस अपना काम कर रही है, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। भाई 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 भाई, अरे कुत्ते की तरह हफ्ता रहेगा, कुछ बोलेगा भी? भाई सहनवाज ने अपने साथी टेम्पो वाला को मार डाला। या उस सहनवाज में इतने टुकड़े करूंगा कि कोई भी दर्जी उसे सिल नहीं पाएगा। सहनवाज मैंने आपके बारे में इसको बोला था भाई, बोला है कि दुर्लभ भाई ने बोला है कि शर्मा के पैसे वापस कर दे, तो कल ये बहुत हैकड़ी दिखा रहा था, बोल रहा कि दुर्लभ कौन है। क्यों रे, क्या बोल रहा था? दुर्लभ कौन है?
दुल्ला भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई दुल्ला भाई, मुझे माफ कर। चल माफ किया, माफ कर दो दुल्ला भाई, माफ किया तुझे, मुझे माफ कर दो, मुझे गले नहीं लगेगा दुल्ला भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई दुल्ला भाई। दुर्लभ क्या चीज है, तुझे ये यमराज बताएंगे। पीने की कैपेसिटी, जीने का स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए। लगता है शहर को बताना पड़ेगा कि दुर्लभ कौन है। लेकिन भाई वो होगा कैसे? सोशल मीडिया से भाई। सोशल मीडिया से? हाँ भाई, भाई ये 4G का जमाना है, यहाँ भले ही लोगों के घरों में खाने को अंडा ना हो मगर मोबाइल में डेटा जरूर होगा। यह एक ऐसा जाल है जहाँ दूध पीते हुए बच्चे से लेकर लपसी चाटते हुए बुड्ढे तक सब मिलेंगे भाई। तो लिख दो हमारी फेसबुक आईडी पर, हत्या, धंधेदारी, किडनैपिंग, किसी के हाथ पैर तोड़ना हो तो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ ने जैसे ही अपनी फेसबुक आईडी पे पोस्ट डाला, वैसे ही दुर्लभ के पास सैकड़ों फोन आने लगे। फेसबुक पे पोस्ट डालते ही दुर्लभ का आतंक और भी भीषण रूप लेने लगा। फिर क्या था, देखते देखते दुर्लभ का गैंग और बढ़ने लगा। अब खाली MP शहर से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी युवा उसकी गैंग में शामिल होने लगे। और तो और, दुर्लभ के स्टाइल से युवा लड़के बड़ा प्रभावित होते थे। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा और गले में काला गमछा। अब दुर्लभ केवल नाम ही नहीं था, वह एक ब्रांड बन गया था जो हर युवा के जुबान पर था। उसकी चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जिसमें मंत्री विधायक भी शामिल थे। दुर्लभ ने सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। फेसबुक पर कोई दुर्लभ नाम का लड़का हत्या, रंगदारी, प्रवृत्ति की पोस्ट डालकर क्राइम कर रहा है। जल्द से जल्द उसे और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए। ओके जेहन सर। विनोद सर, पता करो फेसबुक पे दुर्लभ नाम का लड़का कौन है। मैं हूँ दुर्लभ। ठीक है, फोटो और पैसे भेज दो, काम हो जाएगा। चली गई बहक के। दादा परेशान ना हो, सांग फिर आएगी क्योंकि उसका पेट खराब है। हाँ क्या चाहिए? कट्टा चाहिए था। इस कच्चे की उम्र में कट्टा क्या करोगे? किसने भेजा है तुम्हें? जगड़ू दादा। इसे चलाते कैसे है मालूम है? मनोज वाजपेयी की स्टाइल में नहीं, मिथुन के स्टाइल में चलाना है, ऐसे।
वरना जाओगे किसी को मारने और खुद मरवा के चले आओगे। ऐसा कोई कट्टा नहीं है जो बैक न मारे। फिर तो तुम्हें बनवाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये एम्बुलेंस बन के इमरजेंसी में निकलते हो या हमेशा ऐसे ही घूमा करते हो? बेटा उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आज तुम्हारा खेल खत्म। जिसने लिया दुर्लभ से पंगा, उसकी अर्थियां चली गई गंगा। हर 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 महादेव। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के बहुत बड़ा गुंडा बनता। चल आज मैं तेरी पोस्ट का पोस्टमार्टम करके तेरी ही गलियों से तेरा जुलूस निकालता हूँ। लगता है अपना माल आ गया। चलो कड़क अबे। ये बहरा हो गया क्या? ये सुनाई नहीं दे रहा है। जी भाई, ठीक भाई। पता करो साला ये गांजा पीने वाला था कौन? सालों की गाड़ी जैसे ही धागे को छुएगी, सालों की चीत धड़े उड़ जाएंगे। जल्दी कर भाई, अपनी एरिया को तो नहीं लगता है, पता करना पड़ेगा। ये साला पीछा कर रहा है। साला कल का
होंडा हमारा ही गांड करने चला। भाई आप आदेश करें, अभी ठोक देते हैं साले को। भाई इसी ने सब किया है। अबे चूजे, अगर मैंने ये किया होता ना तो तू अभी सांस ले नहीं रहा होता, सांसें गिन रहा होता। अब तू सोच रहा होगा फिर मुझे इस बम के बारे में कैसे पता चला। तो सुन, जब मैं आ रहा था तो मेरी नजर इस चिड़िया पे पड़ी जो रोड से 4 फीट ऊपर बैठी थी। मेरा दिमाग वहीं पे ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सही समय पर ठनका, तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस एरिया के लगते तो नहीं हो, करते क्या हो? इंसान की हड्डियों से लेकर MP के कानून तक सब तोड़ता हूँ, बस नाम कमाने के लिए। नाम तो अच्छा काम करके भी कमाया जा सकता है, फिर कानून तोड़ने की क्या जरूरत? क्योंकि मुझे कानून तोड़ने में बहुत मजा आता है। शेर घास खाने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए पैदा होता है। फिर तो तुम्हारी मुलाकात एकदम सही आदमी से हुई है, तुम्हें अपने भाई से मिलाना ही पड़ेगा। भाई भाई ये दुर्लभ है, इसने हमारी जान बचाई। सालों ने रोड पर बम लगा रखा था और मुझे यकीन है ये बम मेरे लिए नहीं भाई, ये आपके लिए था, और ये काम सिर्फ शहनवाज ही कर सकता है। है कोई शहनवाज को मारने वाला? मैं मारूंगा उस शहनवाज को। तू मारेगा उसे? तू जानता है शहनवाज कौन है, क्या चीज है? कोई गली का गुंडा नहीं है वो जो तुसे मार सके। हाँ मैं मारूंगा उसे, वो गली का गुंडा हो या कहीं का शहंशाह, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे बता दो कहाँ मिलेगा वो। भाई चल मैं तुझे बताता हूँ, शहनवाज मॉर्गन भाई का बहुत खास आदमी था। वो भाई के लीगल अनलीगल काम दोनों देखता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैंने कई हजार करोड़ की दवा बना रखी है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी सेल बढ़ाओ। लेकिन तुम्हारी मेडिसिन की सेल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत आसान है प्रताप, यह है वो वायरस जिसे तुम्हें लोगों में लगाना है। इस वायरस से लोग बीमार होंगे और ठीक होने के लिए मेरी दवाइयां खाएंगे, क्योंकि इस वायरस का एंटीडोज सिर्फ मेरे ही पास है, जिससे मैं करोड़ों कमाऊंगा और तुम लोग ही लाखों में खेलोगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे पब्लिक को लगाएंगे कैसे? उन्हें पता नहीं चलेगा? उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका दर्द मच्छर के काटने से भी कम होता है। इस वायरस से लोगों की जान तो नहीं जाएगी? लोगों की जान जाती है तो जाने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो, उससे अपने को क्या। ये पैसे उठाओ और निकल यहाँ से। मैं वो काम करता हूँ जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, और वो काम मैं हरगिज नहीं करता जिसकी इजाजत मेरा जमीर ना दे। भाई हम लोग करते हैं ना भाई, हम लोग इतना पैसा छुटपुट काम करके कभी नहीं कमा सकते। वाड़िया को बाहर तक छोड़ क्या? जाओ एंजॉय करो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में एक वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में अभी तक 87,000 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनमें से 1786 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साइंटिस्ट इस वायरस के एंटीडोज पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। बने रहे हमारे NJB न्यूज के साथ, धन्यवाद। ये जरूर उस कुत्ते का काम है।
और ये शहनवाज कहाँ है? भाई वो तो अपने गांव गया है अपनी माँ के पास। माँ के पास? अभी एक महीना पहले बता रहा था उसकी माँ मर गई है। आप ये कौन सी माँ के पास गया है? उस तो गड़बड़ है। पता करो ये कौन सी माँ के पास गया है। ये लो और पियो। मजा आ रहा है ना भाई? आप आ गए हैं तो मजा तो आएगा ही ना। अच्छा ये बताओ तुम लोग महेंद्र के साथ कितना कमा लेते हो? यही कुछ लगभग महीने का 20-30 हजार रुपए बस। आने दो उस गद्दार को, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र साहब मुझे बचा लीजिए, महेंद्र साहब मुझे बचा लीजिए, मोर्गन मुझे मार डालेगा। महेंद्र साहब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। महेंद्र साहब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अब तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, मेरा काम तो हो गया। नहीं ऐसा मत करिए महेंद्र साहब, जो अपने मालिक का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। लगता है पगला गया साला। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। तुम लोग को सुनाई नहीं पड़ा? उठाकर बाहर फेंक दो इसे साला। तमाम देर से बकबक किए जा रहा है। शहनवाज ने महेंद्र को मार डाला और पुलिस को पैसा खिलाकर महेंद्र के मर्डर का इल्जाम हम लोगों पर लगा और पुलिस ने हम लोगों के खिलाफ शूट एंड चैट का वारंट निकाल दिया। रुक, ये कहां से मर गए भाई?
भाग चुके हैं। अगर अपनी जान सलामती चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आपने कहा था सरेंडर करने के लिए, तो गोली क्यों मारी? सपोले को बिल से निकालने के लिए भरोसे की बीन बजानी ही पड़ती है। तब से हम लोग पुलिस से भागते फिर रहे हैं। भाई जी, ठीक है, काम हो जाएगा। क्या हुआ? सपने की गरा में पानी फिर गया। भाई उस लड़के ने आके वहां पे सारा काम खराब कर दिया। क्या हुआ भाई? अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। यही अड्डा है शहनवाज का, यही से साला गांजा सप्लाई करता है। जल्दी करो। इसमें से है कौन भाई? वो रहा शहनवाज जो कुर्सी पे बैठा है। अबे चुद भैले, वो कहां शहनवाज है? वो जो खंभे जैसा खड़ा है वो है शहनवाज। सूरत का है क्या देख रहे हो? लाबे कौन है साला जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाला? भाई लगता है साले बहुत असलहा बारूद साथ आए हैं। भाई आप निकलिए, हम लोग देखते हैं कौन है साले। ठीक है। रुको को साले, कहाँ भाग रहे हो? हट गए साले। कौन थे वो लोग? भाई वो साले मॉर्गन के आदमी थे। मॉर्गन? मॉर्गन के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से जो हम पर हमला करने लगा? हाँ, उसके साथ वो भी लड़का था जिसने हमारी बम वाली प्लानिंग फेल कर दी थी। अच्छा, साला उसी के दम पर ये आग मूत रहा है। साला केंचुए भी दूध पीकर अब सांप बन गए हैं। मल्ला जी, भाई इन सांपों के फन कुचलने का वक्त आ गया है, जाओ और इंतजाम करो। इधर शहनवाज उनकी मौत का इंतजाम करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन और दुर्लभ ने मिलकर शहनवाज के अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर चाहे शराब बनाने का अड्डा हो या इल्लीगल हथियारों की तस्करी करने का ठिकाना, सब बर्बाद करने में। और ऐसा नहीं था केवल अड्डे ही तबाह कर रहे थे, उसके साथ साथ शहनवाज के जितने भी खास आदमी थे जो गैर कानूनी कामों में शहनवाज का साथ देते थे, उन सबको मारना शुरू कर दिया।